संविधान बचाओ मोर्चा के संयोजक उमर खान उर्फ टीका खान ने बताया कि शांति बागिया में पिछले 86 दिनों से संविधान बचाओ मोर्चा के बैनर तले सीए एनआरसी एनपीआर के खिलाफ चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को कोरोना वायरस के खतरे से समाज को सुरक्षित रखने हेतु 31 मार्च 2020 तक स्थगित करने का फैसला कोर कमेटी के द्वारा लिया गया। उन्होंने कहा कि काला कानून के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, साथ ही साथ कोरोना जैसे खतरनाक वायरस के खिलाफ भी हम लोगों की मुहिम जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि एक जगह भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने में हम लोग सहयोग करेंगे और इस बीमारी की भयावह स्थिति को देखते हुए इंसान की जान की कीमत को समझते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि फिलहाल धरना 31 मार्च तक स्थगित किया जाए। देखिए बेसिकली कंसर्न ये है कि आज 86 दिन हो गया, हम लोग का डिमांड अभी भी वही है सरकार से, मगर जिस तरह से यहाँ पे लॉकडाउन किया गया है और इमरजेंसी का सिचुएशन है क्योंकि डेली कोई ना कोई कोरोना वायरस से जो संक्रमित लोग हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, और क्योंकि ये हिंदुस्तान में शुरू नहीं हुआ है, जो डेवलप कंट्रीज हैं वो परेशान हो चुकी हैं इस वायरस से, और बेसिकली तमाम लोग यही एडवाइस दे रहे हैं कि सोशल गैदरिंग से बचिए। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से सरकार को परेशानी हो या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, हम तो चाहते हैं कि जो बेचारे सिपाही भी सड़क पे हैं वो भी सुरक्षित रहें, जो मीडिया वाले लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें। हम डिमांड यही करते हैं सरकार से कि जब इस तरह का वायरस आ गया है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, हम लोग परेशान हैं, हमारा हेल्थ केयर बहुत बुरा है, हम लोग खुद लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, इसीलिए कानून के तहत ही हम लोग धरने पे बैठे हुए थे, इतना लंबा संघर्ष है, मगर हम लोगों ने 31 मार्च तक इस चीज को सस्पेंड किया है। हमारा डिमांड और हमारा संघर्ष बरकरार रहेगा अगर ये एनपीआर वापस नहीं होगा सीए, और ये डिमांड करते हैं कि अमित शाह जी, आदरणीय गृह मंत्री, आपकी क्रोनोलॉजी की वजह से कोरोना आ गया है और कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए आप सक्षम नहीं है, इसलिए अपनी क्रोनोलॉजी को नकारिए, मानवता को बचाने के लिए इस तरह के नफरत भरे कानून को वापस लीजिए और नोटिफिकेशन निकालिए कि हिंदुस्तान का तमाम नागरिक आपस में कोऑपरेट करके इस वायरस से लड़ाई लड़ सके। धरना की तरफ से जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या किया जाएगा? धरना की तरफ से हम लोगों ने आपस में एक विचार किया है कि जितने यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं अपने आप को बचाते हुए, इस सराउंडिंग्स में हमारे जो कटारी में पहाड़ पे बहुत सारे गरीब रहते हैं जो डेली वेजेस हमारे यहाँ बहुत काम करने वाले लोग हैं, जिनको हम तो सबको मना कर दिया कि आप घर पे मत आइए, जो हो सकेगा हम लोग आपको देंगे। हमने ये भी डिमांड किया धरना स्थल से कि जिनके यहाँ मेड सर्वेंट काम करते हैं उनको एक महीने का तनख्वाह एडवांस दे दीजिए, उनको बोलिए आप भी सुरक्षित रहिए, मिलजुल के घर में काम कीजिए, कि उनकी भी लाइफ उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी है। और धरने के लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि इन द मीन टाइम हमको जहां पता चलेगा कि जिस घर में फाका कशी है वहां भोजन का इंतजाम नहीं, हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके वहां राशन पहुंचाएंगे।